मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जिससे आपको और अधिक खुदावन के कार्य के लिए आपको बोझ दे सकूं मैं, और आपको समझा सकूं कि आपका इस दुनिया में जीना क्या उद्देश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 32 और 33 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म यानी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोले आमीन। अब आपको मैंने जो पहले वचन आपको बाइबल से पढ़ाया कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के काम को उद्देश्य बनाया, उसने कहा कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखूं और उसके काम को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी के द्वारा प्रथम स्थान पर रखूं। हालेलुया। उसी तरह आप एक मसीह हैं तो आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। संसार की वस्तुएं, उनकी खोज संसार करता है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपको जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। याद करिए, जब आपके पास कुछ नहीं था, आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। क्या आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा आप उसके धर्म और राज की खोज कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और देखते हैं कि जब एक परिवार का लड़का पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है, तो उसके माँ बाप चर्च में आते और बोलते हैं कि भैया सर, मेरे बच्चे का ज़िंदगी बदल जाए, मैं उसको प्रभु के काम के लिए दे दूंगा, वो खुदा का काम करेगा, हम पूरा घराना खुदा के लिए समर्पित होंगे। लेकिन प्रभु जब उनको चंगा कर देता है तो मुझे कम ही लोग नज़र आते हैं जो खुदा के काम, जो उसने वायदा किया, उसके वायदे के अनुसार काम करते हैं। फिर वो अपना उद्देश्य दूसरा कुछ बना लेते हैं और परमेश्वर के काम को भूल जाते हैं। प्रियजन, आप संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, आप अन्य जाति से बिल्कुल अलग हैं। उनकी खोज संसार की वस्तुएं हैं, लेकिन आपकी खोज परमेश्वर का राज्य है, उसके काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को प्रभु के राज्य में लाना आपकी खोज है। स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर और ज्यादा फैलाना आपकी खोज है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना ही आप धर्म और राज की खोज कर रहे हैं। और आप ये साबित कर रहे हैं कि मुझे धन से ज्यादा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना मेरा धन है। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, उसके राज की खोज करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भोजन है। मेरी भूख ये है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं, उसके लिए लोगों को जीतूं, जो परमेश्वर के राज्य से दूर हैं उनको प्रभु के राज्य के करीब लेके आऊं। आमीन, हालेलुया। यदि आप भी संसार की वस्तुओं की खोज में हैं केवल, और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में नहीं है, उसकी मर्जी को पूरा करना नहीं है, आप कभी नहीं पूछते कि प्रभु मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए, आपने मुझे इतनी बड़ी बरकत दी, मेरी जिंदगी को आपने बचाया, अब मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए, यदि आप कभी पूछते नहीं हैं, यदि आप कभी समझते नहीं हैं, तो आप संसार के व्यक्तियों के समान हैं जो अभी भी अपने पुराने जीवन में व्यस्त हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा जब प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, और वो वचन है यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है,
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा और प्रभु ने इस बात का अंगीकार भी किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। सब बोले हालेलुया। प्रभु के प्रिय जनों, अब खुदावन प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपनी जिंदगी को, आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने सुना है कि प्रभु ने किस तरह अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार व्यतीत किया और उसने हमेशा अपने जीवन को लोगों के बीच में व्यतीत किया। प्रभु यीशु मसीह को किसी वस्तु की घटी नहीं हुई और उसके चेलों ने भी इस बात को लिया। देखिए, प्रभु ने इस काम की शुरुआत की, स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस काम की शुरुआत की और उसने उसके बाद अपने चेलों को जिम्मेदारी दी। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो उसके चेलों ने उस काम को किया और उसके चेलों ने हम सब को जिम्मेदारी दिया कि परमेश्वर के काम को किस तरह से इस दुनिया में फैलाना है। परमेश्वर का काम ये नहीं है कि हम लोगों को ईसाई बनाएं, परमेश्वर का काम ये नहीं है कि हम लोगों को दूसरे लोगों के विरोध में उठाएं, परंतु परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म ये है कि खुदावन के प्रेम को इस दुनिया में फैलाएं, परमेश्वर के वचन को इस दुनिया में फैलाएं। जो लोग आज पाप में हैं उनको पाप से निकालें, जो लोग आज टूट चुके हैं उनके पास आशा के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, संदेश को उनके पास लेके जाएं। जो शांति में नहीं है, शांति में है, उनके पास जाकर शांति के वचन को दें। जो बीमार हैं उनके पास जाकर चंगाई के वचन को दें, उनके लिए प्रार्थना करें। जो टूट चुके हैं उनको जीने की आशा दें। यही परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने का मतलब है। आमीन।